नमस्कार बच्चों, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं प्रीवियस 10 ईयर सीबीएसई बोर्ड क्वेश्चंस। जो क्वेश्चन सीबीएसई में 10 ईयर्स में आए हुए हैं सारा सॉल्व कर रहे हैं क्लास 12 का। अभी चैप्टर हम लोग बना रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शन, और उसमें टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ रिलेशन। इसका फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने बना लिया था, आज हम लोग सेकेंड पार्ट करने वाले हैं। तो बच्चों फटाफट नोटबुक और पेन निकाल लो और लिखना स्टार्ट करो, क्योंकि लिखोगे तभी सीखोगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 है, सो दैट रिलेशन आर इन द सेट ए इक्वस टू 1, 2, 3, 4, 5 गिवेन बाय आर इक्वस टू ए बी सच दैट ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 2। क्या कह रहा है कि हमारे पास एक रिलेशन है आर सेट ए में, और सेट ए क्या है तुम्हारा 1, 2, 3, 4, 5 है, और रिलेशन क्या दिया हुआ है ए बी हमारा रिलेशन में, अगर मॉडुलस ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 2, अगर मॉडुलस ए माइनस बी जो है 2 से डिविजिबल हो, है ना। तो अपने को क्या प्रूफ करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है, और राइट ऑल द इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ आर। तो आर का सारा इक्विवेलेंस क्लास अपने को निकालना है। तो देखो 2015 में आया था, 6 मार्क्स का क्वेश्चन था, ठीक है। तो चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन गिवन आर बी द रिलेशन गिवन आर बी द रिलेशन इन द सेट ए इक्वस टू 1, 2, 3, 4, 5। आर क्या हमारा रिलेशन है सेट 1, 2, 3, 4, 5 में, सेट ए में, है ना, सेट ए में रिलेशन है हमारा आर। तो अब थोड़ा देखो समझो बात डिफाइंड बाय, और क्या है उसका डिफिनेशन, क्या है रिलेशन का, डिफाइंड बाय आर इक्वस टू ए बी सच दैट मॉडुलस ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2, और मॉडुलस ए माइनस बी जो है वो 2 से डिविजिबल है, ठीक है। तो फिर ए बी मेरा रिलेशन में है। तो चलो इक्विवेलेंस प्रूफ करना है। तो इक्विवेलेंस प्रूफ करने के लिए क्या करना होता है अपने को, सबको पता है कि हम लोगों को क्या दिखाना होगा, रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, रिलेशन सिमेट्रिक है, और रिलेशन ट्रांजिटिव है। तो फिर हम लोग बोल पाएंगे कि रिलेशन हमारा क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। तो चलो सबसे पहला स्टार्ट करते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव। फॉर रिफ्लेक्सिव, अब थोड़ा देखो रिफ्लेक्सिव के लिए मान लेते हैं लेट ए बिलोंग्स टू ए, मान लेते हैं ए ए में है, मतलब ए जो है ना ए में, कहने का मतलब क्या हुआ कि ए कोई भी एलिमेंट है, मतलब मान लो 1 भी ले रहे हैं, 2 भी ले लिए या 3 ले लिए या 4 ले लिए या 5 ले लिए, कोई भी हम लोग उठा लिए, ए मान लें कि ए क्या, ए का एलिमेंट है, देन तब क्या होने वाला है, देन अगर ए ए का एलिमेंट है देन तो मॉडुलस ए माइनस ए, देखो ए में ए माइनस करो, मतलब किसी भी नंबर में खुद को माइनस करोगे तो 0 आएगा, है ना, और 0 क्या होता है हमारा, ध्यान दो 0 आता है, और 0 क्या होता है हमारा, वो डिविजिबल होता है 2 से, इज डिविजिबल बाय 2, है ना। तो a माइनस a 0 आया और वो 2 से डिविजिबल हो गया, इसका मतलब क्या हो गया तुम्हारा, तो दिस इंप्लाइज a a जो है तुम्हारा r में है, a a तुम्हारा कहाँ है, r में है, मतलब रिलेशन में है, दैट इज। और हम लोग अब बोल सकते हैं कि a a बिलोंग्स टू r फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, मतलब जितना भी एलिमेंट ए में है उसके लिए ए ए आर में है, और यही क्राइटेरिया होती है रिफ्लेक्सिव की। तो दिस इंप्लाइज हम लोग बोल सकते हैं आर इज रिफ्लेक्सिव, आर क्या है हमारा रिफ्लेक्सिव है। तो चलो पहला बात तो हो गया प्रूफ कि आर हमारा रिफ्लेक्सिव है। अब सिमेट्रिक के लिए चलते हैं। तो फॉर सिमेट्रिक देखते हैं क्या हमारा रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं है। तो फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए क्या करते हैं हम लोग, दो एलिमेंट मान लेते हैं, लेट ए बी जो है हमारा वो ए में है, और ऐसा है सच दैट, ऐसा है कि ए बी जो है वो आर में है, है ना, मतलब ए बी आर में, मतलब ए बी से रिलेट कर रहा है, ए बी आर का मतलब होता है ए बी से रिलेट कर रहा है। तो देखो भाई अगर ए बी से रिलेट कर रहा है, और हम ये प्रूफ करके दिखा दें कि बी बी ए से रिलेट कर रहा है, तो मेरा जो फंक्शन है वो सिमेट्रिक हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, सिंस ए बी
बिलोंग्स टू आर, अगर मेरा ए बी आर में है तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि जरूर मॉडुलस ए माइनस बी जो है वो क्या होगा, इज डिविजिबल बाय टू होगा, है ना, डिविजिबल बाय टू होगा, क्योंकि ये आर में है, तब मॉडुलस ए माइनस बी क्या हो गया तुम्हारा, टू से डिविजिबल है। अब थोड़ा देखो ध्यान से बात कि मॉडुलस ए माइनस बी ये दो से डिविजिबल हो गया, और अपने को पता है, क्या पता है, ध्यान दो इस चीज़ को, हम पहले भी बता चुके हैं कि मॉडुलस ए माइनस बी कर लो या मॉडुलस बी माइनस ए कर लो, दोनों की वैल्यू क्या होती है, बराबर होती है, दोनों की वैल्यू क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। तो अब जब मेरा मॉडुलस ए माइनस बी टू से डिविजिबल है तो इसको अगर हम पलट के ऐसे लिख देते हैं, तो क्योंकि दोनों की वैल्यू बराबर है तो मॉडुलस ए माइनस बी टू से डिविजिबल, तो मॉडुलस बी माइनस ए भी टू से डिविजिबल हो जाएगा, ये भी हमारा डिविजिबल बाय टू हो जाएगा, ठीक है, ये भी हमारा डिविजिबल बाय टू हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब जैसा ही बी माइनस ए मेरा डिविजिबल बाय टू हो गया, इसका मतलब बी ए जो है हमारा वो कहाँ है, हमारा आर में है। अच्छा, हम तो मान के चल रहे थे कि ए बी मेरा आर में है और हमको क्या मिल गया, बी ए हमारा आर में है, तो दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ, ए बी बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर, बी ए भी हमारा आर में है, ठीक है, जहाँ पे ए और बी दोनों ही हमारा ए का एलिमेंट है, जहाँ पर ए और बी हमारा दोनों ही ए का एलिमेंट है, ए बी बिलोंग्स टू ए, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल पाएंगे, तो हम लोग यहाँ पे बोल पाएंगे, तो दिस इम्प्लाइज आर इज सिमेट्रिक, आर क्या हमारा सिमेट्रिक है। चलो अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की, ठीक है, तो ट्रांजिटिव में क्या करना पड़ता है, फॉर ट्रांजिटिव पहले लिख लो, फॉर ट्रांजिटिव, तो मान लेते हैं इसमें तीन एलिमेंट ले लो, लेट ए बी सी बिलोंग्स टू ए, मान लेते हैं तीन एलिमेंट ए का है, सच दैट, और ऐसा है कि ए बी हमारा आर में है, ए बी हमारा आर में है और बी सी भी हमारा आर में है, ए बी आर में है और साथ में बी सी भी आर में है, तो अगर हम ये प्रूफ कर दें कि ए बी आर में है, बी सी आर में है, तो ए सी भी हमारा आर में है, तो मेरा सम बन जाएगा, वो ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो चलो देखो, सिंस ए बी बिलोंग्स टू आर, अगर ए बी आर में है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, कि मॉडुलस ए माइनस बी जो है वो इज डिविजिबल बाय टू होगा, ये टू से डिविजिबल होगा, ठीक है, और बी सी भी हमारा आर में है, तो इसका मतलब होता है मॉडुलस बी माइनस सी जो है वो भी क्या होगा तुम्हारा, डिविजिबल बाय टू होगा, तो मेरा ए माइनस बी भी डिविजिबल बाय टू हो गया, बी माइनस सी भी मेरा डिविजिबल बाय टू हो गया। अब थोड़ा समझो बात, ये नंबर दो से डिविजिबल है, ये भी नंबर दो से डिविजिबल है, देन तब अगर हम लोग ये कर लें ए माइनस बी मॉडुलस और बी माइनस सी मॉडुलस, तो ये भी ऑटोमेटिक ही क्या हो जाएगा तुम्हारा, दो से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ए माइनस बी प्लस दोनों नंबर, ये देखो ए माइनस बी और ये बी माइनस सी दोनों को ऐड कर दिए, तो ए माइनस बी क्या होगा, कुछ इवेंट टाइप का नंबर होगा, बी माइनस सी भी हमारा क्या होगा, इवेंट टाइप का नंबर होगा, तो दो इवेंट टाइप के नंबर को जब हम लोग ऐड करेंगे, दो इवेंट नंबर को ऐड करेंगे तो फिर वो क्या हो जाएगा, वो भी इवेंट आएगा, है ना, उसका मॉडुलस प्लस पॉजिटिव रहे या निगेटिव रहे उसका मॉडुलस तो पॉजिटिव ही आएगा, इसका मतलब ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी भी क्या हो जाएगा हमारा, इज डिविजिबल बाय टू हो जाएगा, ये भी डिविजिबल बाय हमारा क्या हो गया, टू हो गया। तो यहाँ से देखो बी और बी तो कैंसिल हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, दिस इम्प्लाइज ए माइनस सी इज डिविजिबल बाय टू, तो ए माइनस सी हमारा क्या है, टू से डिविजिबल है, ठीक है, इसका मतलब जब a माइनस सी टू से डिविजिबल है, इसका मतलब ए सी जो है हमारा r में है, तो हमने तो माना था कि ए बी आर में है, बी सी आर में, और हम प्रूफ कर दिए क्या कि ए सी आर में है, तो दैट इज ए बी बिलोंग्स टू r एंड बी सी बिलोंग्स टू r, दिस इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू r, जहां पे ए बी सी तीनों जो है ए बी सी बिलोंग्स टू ए, ठीक है, ए बी सी बिलोंग्स टू क्या है तुम्हारा, ए है, इसका मतलब क्या हुआ, दिस इम्प्लाइज आर इज ट्रांजिटिव, आर इज, आर क्या है तुम्हारा, ट्रांजिटिव हो गया।
तो हमने प्रूफ कर दिया कि आर रिफ्लेक्सिव भी है, आर सिमेट्रिक भी है, आर ट्रांजिटिव भी है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं हैंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। हमारा आर जो है एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, आर क्या हमारा एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। तो हमने ये साबित कर दिया कि आर क्या इक्विवेलेंस रिलेशन है, एक पार्ट तो मेरा प्रूफ हो गया। अब देखो इसमें एक बात और कह रहा था, क्या कह रहा था, कह रहा है राइट ऑल द इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ आर, है ना, राइट ऑल द इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ आर, मतलब रिलेशन का जितना भी इक्विवेलेंस क्लास है वो सारा लिखो, रिलेशन का जितना भी इक्विवेलेंस क्लासेस है वो सारा लिखो, ठीक है। तो चलो ठीक है, यहाँ पर देखो हमारे पास इक्विवेलेंस क्लास लिखना है हमको, तो 9। अब हमारे पास ए क्या है, ए है तुम्हारे पास 1 2 3 4 5 ऐसा है, और आर जो हमारे पास है, आर जो हमारे पास है वो क्या था तुम्हारा, एक्स वाई ले लो या ए बी था ना, आर जो हमारे पास क्या दिया हुआ था, ए बी था। आर देखो हमारे पास जो है वो क्या है, ध्यान से देखो ए बी है, और ऐसा है कि मॉडुलस ए माइनस बी क्या है तुम्हारा, इज डिविजिबल बाय 2 है, डिविजिबल बाय 2 है, ठीक है। तो अगर हम क्या करें, 1 का इक्विवेलेंस क्लास लिखना चाहें, तो वो एलिमेंट जो 1 के साथ सब्ट्रैक्ट होके दूसरे डिविजिबल हो, तो 1 के साथ सब्ट्रैक्ट होके दूसरे डिविजिबल होने वाला 1 एक ऑड नंबर है, तो उसके साथ क्या, एक तो 1 खुद आएगा, एक 3 आ जाएगा ऑड नंबर, और एक 5 आ जाएगा, इसको 1 के साथ अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। अगर हम लोग 2 का इक्विवेलेंस क्लास निकालना चाहें, तो देखो यहाँ पर 2 का क्या आ जाएगा, 2 एक इवन नंबर है तो 2 आएगा, और एक इवन नंबर और है तो 2 के साथ 4 आएगा, ठीक है। अब अगर मान लो 3 का करना चाहें, तो 3 भी क्या है, ऑड नंबर है, तो 3 ऑड नंबर है तो ऑड के साथ ऑड ही माइनस होके क्या हो सकता है, इवन दे सकता है, तो 3 का भी यही हो जाएगा, यही वाला 3 का हो गया हमारा, क्योंकि देखो सारा एलिमेंट तो मेरा आ ही गया है ना, तो दो हिस्सों में बट गया सारा एलिमेंट हम लोग के लिए, 3 का भी यही ऑड नंबर हो जाएगा। अगर 5 लेंगे तो 5 का भी यही मेरा ऑड नंबर का जो सेट है, यही इसका इक्विवेलेंस क्लास आ जाएगा, कि 5 के साथ हम लोग 1 को माइनस करेंगे 4 आ रहा है, 2 से डिविजिबल, 5 को 3 से 5 के साथ में 3 माइनस करेंगे तो 2 आ रहा है, 2 से डिविजिबल, 5 में 5 माइनस करेंगे तो 0 आ रहा है, तो 2 से डिविजिबल, और दूसरा यहाँ पर 4 बचा, तो 4 का इक्विवेलेंस क्लास भी क्या होगा, इवन नंबर वाला सेट जो है वो 4 का इक्विवेलेंस क्लास हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ 2 इक्विवेलेंस क्लास हो रहा है, तो देयर इज 2 इक्विवेलेंस क्लासेस इन आर, देयर इज देयर आर टू, आर लिख लो, देयर आर 2 इक्विवेलेंस क्लासेस, 2 इक्विवेलेंस क्लासेस क्लासेस इन आर, दैट इज वो क्या है तुम्हारा, 1 का इक्विवेलेंस क्लास इक्वल्स टू 3 का इक्विवेलेंस क्लास इक्वल्स टू 5 का इक्विवेलेंस क्लास, और ये इक्वल टू है 1 3 5 के, और दूसरा है एंड दूसरा है 2 का इक्विवेलेंस क्लास इक्वल्स टू 4 का इक्विवेलेंस क्लास, और ये है इक्विवेलेंस क्लास हमारे पास 2 4। तो यहाँ पर देखो हमारा 2 इक्विवेलेंस क्लास, एक तो ये है और एक ये है, और यही हमारा आंसर हो गया। समझ में आ गया बच्चों, तो आप लोग इसको नोट कर लो, और चलो हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट एन डिनोट द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर एंड आर बी द रिलेशन ऑन एन क्रॉस एन डिफाइंड बाय ए बी, रिलेट कर रहा है सी डी से, इफ ए बी कब रिलेट, सी डी से कब रिलेट करेगा, इफ ए डी बी प्लस सी इक्व टू बी सी ए प्लस डी है। तो अपने को क्या दिखाना है कि आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, हमको दिखाना आर इक्विवेलेंस रिलेशन है, कहने का मतलब अपने को दिखाना आर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखो दिल्ली 2015 में आया था, है ना, और 6 मार्क्स का था, मतलब सीबीएसई के दिल्ली रीजन में आया था 2015 में, और 6 मार्क्स का क्वेश्चन था ये। तो चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो सॉल्यूशन गिवन, देखो क्या दिया है हमारे पास, गिवन आर बी द रिलेशन, आर बी द रिलेशन ऑन एन क्रॉस एन, आर कहाँ, एन क्रॉस एन में रिलेशन है,
वेयर एन इज नेचुरल नंबर, एन इज नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स, एन क्या हमारा नेचुरल नंबर्स है ना, मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, तो लिख सकते हो एन इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लिख सकते हो, ठीक है, या फिर एन इज नेचुरल नंबर्स लिख दिया मतलब सारा नेचुरल नंबर्स का सेट है ये, ठीक है। डिफाइंड बाय, ये कैसे डिफाइंड है, डिफाइंड बाय ए बी रिलेटेड टू सी डी, ए बी सी डी से रिलेट कर रहा है, इफ कब, जब क्या हो जाए ए डी बी प्लस सी हो जाए इक्वल्स टू बी सी ए प्लस डी हो जाए। अगर ये यहाँ पे इफ लगा दो, इफ एंड ओनली इफ दोनों तरफ से होता है कि अब देखो इधर कि अगर मान लो ए डी इंटू बी प्लस सी और बी सी इंटू ए प्लस डी हो जाएगा तो हम लोग बोलेंगे ए बी सी डी से रिलेट करता है, और अगर ए बी सी डी से रिलेट करता है तो हमारे पास ए डी इंटू बी प्लस सी हो जाएगा और बी सी इंटू ए प्लस डी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्राइटेरिया है रिलेशन का। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन अपने को प्रूफ करना है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए अपने को क्या करना होगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों ही प्रूफ करना होगा, तो हम लोग करते हैं एक एक करके। तो चलो सबसे पहले तो रिफ्लेक्सिव, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव, फॉर रिफ्लेक्सिव। देखो रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग को क्या होता है कि हमको दिखाना होता है कि हर एक एलिमेंट खुद से रिलेट कर रहा है। तो हम लोग मान रहे हैं कि एक ऑर्डर्ड पेयर है लेट, एक ऑर्डर्ड पेयर ए बी है, वो क्या है हमारा एन क्रॉस एन में है, एन क्रॉस एन में है। अब थोड़ा देखो भाई, अगर हमको यहाँ पर थोड़ा एक बात ध्यान दो कि देखो ए बी से रिलेशन कब हो रहा है, ए बी से रिलेशन देखना, रिलेशन क्या है हमारा ए बी रिलेट कर रहा है किससे, सी डी से, कब, देखो ए डी कहने का मतलब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो ए डी आ रहा है, ठीक है, और इनटू इसको इसके साथ प्लस करो, इसको इसके साथ क्या करो प्लस करो, मतलब बी सी इक्वल्स टू फिर क्या रहा है बी सी। अब दूसरा वाला क्या कह रहा है कि बी सी दूसरा ये किसके बराबर होना चाहिए, बी सी मतलब इस दोनों को अब मल्टीप्लाई करो, मतलब बी सी और ए डी है ना, और ए डी मतलब पहला और आखिरी वाले को ऐड करो, कहता है अगर ये दोनों इक्वल है तो फिर हम लोग बोलेंगे कि ए बी सी डी से रिलेट कर रहा है। तो अगर हमको ये दिखाना है तो ए बी ए बी से रिलेट करेगा, तो इसका मतलब क्या हो गया कि भैया इस दोनों का प्रोडक्ट मतलब ए बी, ठीक है, और क्या आ गया तुम्हारा बी प्लस ए, इस दोनों का ऐड इतना इसको दिखाना पड़ेगा। अब देखो अंदर वाले का प्रोडक्ट बी ए और ये किसके बराबर होना चाहिए ए प्लस बी के बराबर होना चाहिए। अगर हम लोग ये चीज़ दिखा सकते हैं तो हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि हमारा ए बी जो है ना ए बी से रिलेट करता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखो, यहाँ पर यही बात ध्यान में रखना है। तो चलो देखो यहाँ पर, तो अगर मेरा ए बी दो नेचुरल नंबर है, नेचुरल एन क्रॉस एन में है मतलब नेचुरल नंबर में है, तब हम लोग क्या कर सकते हैं, देन तब हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या हो जाएगा दो नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट और ए और बी प्लस सी, बी प्लस सी इक्वल्स टू अगर मान लो हम लोग यहाँ पर बी ए कर लें, बी प्लस ए है यहाँ पर, ये वाला चीज़ ए है तो बी प्लस ए, और यहाँ पर हम लोग बी ए कर लें और फिर इस दोनों को ऐड कर लें ए प्लस बी। तो अब ध्यान दो यहाँ पर साफ दिख रहा है कि ए बी और ए बी ये दोनों तो बराबर ही होता है, और बी प्लस ए और ए प्लस बी भी बराबर होता है। तो यहाँ पर चाहो तो लिख सकते हो सिंस ए बी इक्वल्स टू बी ए होता है, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, नेचुरल नंबर के मल्टीप्लीकेशन का ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, और क्या होता है ए प्लस बी जो होता है वो बी प्लस ए के बराबर होता है, ठीक है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है एडिशन का। तो हम लोग यहाँ पर ये कर सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो जब हम लोग देखो ध्यान से कि ए बी जो है हमारा बी ए के बराबर है और ए प्लस बी जो है वो बी प्लस ए के बराबर है, तो ए बी इंटू बी प्लस ए, क्योंकि ये देखो ए बी वाला बी प्लस बी ए के बराबर हो गया और ये वाला इसके बराबर हो गया, तो ये दोनों तुम्हारा बराबर है, ठीक है। तो ये तो दिस इम्प्लाइज, अगर हम ये बराबर दिखा दिए तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर हम ये दिखा दिए जैसे हमने ये दिखा दिए तो इसका मतलब हमारा ये रिलेशन में है, तो दिस इम्प्लाइज ए बी रिलेट कर रहा है ए बी से, तो ए बी क्या हुआ ए बी से रिलेट कर गया, है कि नहीं, इसका मतलब तो दैट इज ए बी रिलेट कर रहा है ए बी से फॉर ऑल ए बी, जितना भी ए बी है, जितना भी ऑर्डर्ड पेयर कहाँ है एन क्रॉस
एन में है, तो हम लोग बोल पाएंगे कि दिस इम्प्लाइज आर इज रिफ्लेक्सिव, आर हमारा रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। चलो हम लोग अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। फॉर सिमेट्रिक, फॉर सिमेट्रिक, तो हम लोग बात करते हैं सिमेट्रिक की। अच्छा सिमेट्रिक की देखो तो क्या है, मान लेते हैं कि लेट ए बी और सी डी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन, दो ऑर्डर्ड पेयर हम लोगों ने मान लिया एन क्रॉस एन में है, ठीक है, ए बी और सी डी एन क्रॉस एन में है, और सच दैट ऐसा है कि ए बी जो है वो रिलेट कर रहा है सी डी से, सच दैट ऐसा है कि ए बी जो है वो रिलेट कर रहा है सी डी से, ठीक है। तो ए बी रिलेट कर रहा है सी डी से, अब ध्यान दो कि सिंस अगर ए बी रिलेट कर रहा है सी डी से तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जरूर, ठीक है ध्यान दो, तो जरूर ए डी इस दोनों का प्रोडक्ट किसका सम के साथ, बी प्लस सी के साथ, ये बराबर हो जाएगा, फिर बी प्लस सी का प्रोडक्ट किस दोनों के सम के साथ, ए प्लस डी के साथ, ए प्लस डी के साथ बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो हो गया, अब हम लोग इसको देखो, अब एक बात और फिर से यहाँ पर ध्यान से देखो कि अगर अपने को ये दिखाना है तो अगर ये दिखा दें कि ए बी रिलेट कर रहा है सी डी से, तो सी डी को अगर दिखा दें ए बी से रिलेट कर रहा है तो हम लोग बोल देंगे ये सिमेट्रिक है, मतलब सी डी को है हमको दिखाना ये रिलेट कर रहा है ए बी से, ये दिखाना, इसके लिए क्या जरूरी है, सी बी होना चाहिए, मतलब इसको इसके साथ प्रोडक्ट होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए हमको कि सी डी सी बी इस दोनों का प्रोडक्ट और डी प्लस ए ये किसके बराबर होना चाहिए, डी ए और सी प्लस बी के बराबर होना चाहिए, अगर ये हो गया तो हम लोग बोल देंगे सी डी क्या है तुम्हारा, ए बी से रिलेट कर रहा है। तो देखो तो सबसे पहले तो देखो क्या हम ये क्रिएट कर सकते हैं, तो देखो क्रिएट कर सकते हैं कैसे, यहाँ से ध्यान दो, तो सबसे पहले ना इस वाले टर्म को बाद में लिखते हैं, इस वाले को पहले लिखते हैं, पहले बात करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो ये आ गया बी सी और यहाँ पर आ गया ए डी, और यहाँ पर हम लोग क्या लिख देते हैं ए डी और यहाँ पर आ गया बी प्लस सी। अब थोड़ा देखो हम लोग जानते हैं क्या कि ये कम्यूटेटिव होता है, बी सी लिखो या सी बी लिखो एक ही बात है, बी सी लिखो या सी बी लिखो एक ही बात है, ए डी लिखो या डी डी प्लस ए लिखो एक ही बात है, यहाँ पर ए डी लिखो या डी ए लिखो एक ही बात है, यहाँ पर बी प्लस सी लिखो या सी प्लस बी लिखो ये सब एक ही बात है, ठीक है। ये क्या था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है एडिशन का और मल्टीप्लीकेशन का, तो यहाँ पर चाहो तो लिख सकते हो बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो ऐसा हम जान के, क्योंकि देखो ये बोर्ड का एग्जाम का तैयारी हो रहा है तो हर एक चीज लिखना बहुत जरूरी होता है, तो इसका मतलब जैसा ही ये वाली बात हो गई, तो अगर ये वाली बात हो गई तो अब हम लोग बोल सकते हैं, ये वाली बात हमारी डन हो गई तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि सी डी रिलेट कर रहा है ए बी से, सी डी क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है ए बी से, तो दिस इम्प्लाइज सी डी रिलेट कर गया ए बी से। तो हमने तो मान के चला था कि ए बी रिलेट कर रहा है सी डी से, हमने मान के चला था ए बी रिलेट कर रहा है सी डी से, और हमने क्या दिखा दिया कि सी डी रिलेट कर रहा है ए बी से, तो दैट इज इसका मतलब क्या हुआ, ए बी रिलेट कर रहा है सी डी से, तो दिस इम्प्लाइज सी डी भी रिलेट कर रहा है ए बी से, और यहाँ से क्या हो गया हमारा, जहाँ पर ए बी और सी डी ये दोनों ही एलिमेंट है एन क्रॉस एन का, दोनों ही एलिमेंट है एन क्रॉस एन का, तो दिस इम्प्लाइज आर इज सिमेट्रिक, आर क्या हो गया हमारा, सिमेट्रिक हो गया। चलो अब हम लोग ट्रांजिटिव की बात करते हैं, तो हम लोगों ने दिखा दिया कि रिफ्लेक्सिव है, हम लोगों ने दिखा दिया सिमेट्रिक है, अब चलो देखो ट्रांजिटिव के लिए, तो फॉर ट्रांजिटिव लेट ए बी सी डी, इसमें तीन एलिमेंट मानना होता है, ई एफ बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन, मान लिया कि ए बी सी डी और ई एफ एन क्रॉस एन में है, सच दैट और ऐसा है कि ए बी जो है हमारा वो रिलेट कर रहा है ई एफ से, सॉरी सी डी से, ए बी जो है हमारा वो रिलेट कर रहा है सी डी से, और सी डी जो है हमारा एंड
सीडी जो है हमारा वो रिलेट कर रहा है ईएफ से, तो हमको ट्रांजिटिव अगर प्रूफ करना है तो अपने को क्या दिखाना होगा, ए बी रिलेट कर रहा है सीडी से और सीडी रिलेट कर रहा है ईएफ से, तो अपने को दिखाना होगा ए बी रिलेट कर रहा है ईएफ से, ठीक है, ए बी रिलेट कर रहा है ईएफ से। तो चलो, तो सिंस ए बी रिलेट कर रहा है तुम्हारा सीडी से, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए डी इंटू बी प्लस सी, नहीं, ए डी पहला को देखो एक्सट्रीम का प्रोडक्ट और मीन का सम इक्वस टू हो जाएगा, मीन का प्रोडक्ट मतलब बी सी और एक्सट्रीम का सम ए और डी, ये दोनों आखिरी वाले को एक्सट्रीम बोलते हैं, दोनों बीच वाले को क्या बोलते हैं, मीन बोलते हैं। तो देखो यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा ए प्लस डी के बराबर हो जाएगा, पहली बात, ठीक है। तो इसी को हम लोग और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, देखो एक बी प्लस सी बाई बी सी कर लेते हैं, बी सी को इस तरफ ले आते हैं और ए प्लस डी बाई ए डी कर लेते हैं, तो यहाँ से देखो क्या रहा है तुम्हारा बी बाई बी सी, और यहाँ से देखो सी बाई बी सी, और यहाँ से क्या है तुम्हारा ए बाई ए डी, और ये क्या होता है डी बाई ए डी, ठीक है। तो देखो यहाँ से क्या मिल रहा है हमारा, बी बी कैंसिल हो गया, सी सी कैंसिल हो गया, ए ए कैंसिल हो गया और डी डी कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब हो गया तुम्हारा वन बाई सी प्लस वन बाई बी, अच्छा ये पहला इक्वल हो गया वन बाई डी प्लस वन बाई ए के इक्वल हो गया। तो ये क्या था तुम्हारा, ए बी रिलेट कर रहा है सी डी से, तो इससे इतना लिख लिए। अगेन फिर से देखो, एंड क्या कर रहा है, सी डी रिलेट कर रहा है ई एफ से, सी डी रिलेट कर रहा है ई एफ से, तो इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स मतलब सी एफ सम ऑफ मीन डी प्लस ई के बराबर है, और फिर सम ऑफ मीन सॉरी प्रोडक्ट ऑफ मीन डी ई वो किसके बराबर है, सम ऑफ एक्सट्रीम के, इसके बराबर हो गया। तो यहाँ से हम लोग क्या कर ले रहे हैं, डी प्लस ई बाई डी ई कर ले रहे हैं और इक्वस टू सी प्लस एफ बाई सी एफ कर ले रहे हैं। चलो देखो ध्यान से, तो यहाँ से क्या आ रहा है हमारा, डी बाई डी ई और प्लस ई बाई डी ई इक्वस टू सी बाई सी एफ प्लस एफ बाई सी एफ, ऐसा आ जाएगा। तो यहाँ से डी कैंसिल हो गया, ठीक है, यहाँ से डी कैंसिल हो गया, यहाँ से ई कैंसिल हो गया, यहाँ से सी कैंसिल हो गया, यहाँ से एफ कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या आया तुम्हारा, वन बाई ई प्लस वन बाई डी इक्वस टू वन बाई एफ प्लस वन बाई सी, इसके बराबर हो गया, ठीक है। अच्छा अब थोड़ा देखो ध्यान से, वन बाई ई प्लस वन बाई डी इक्वस टू वन बाई एफ प्लस वन बाई सी हो गया, तो इसको अगर हम लोग नंबर वन मान लें और इसको हम लोग नंबर टू मान लेते हैं, अब ऐड कर देते हैं, एडिंग वन एंड टू वी गेट, देखो हम लोग क्या मिलता है अपने को, तो दोनों को प्लस करते हैं, तो देखो क्या आ रहा है हमारा, ध्यान से देखना कि वन बाई सी प्लस वन बाई बी और प्लस वन बाई ई प्लस वन बाई डी इक्वस टू वन बाई डी प्लस वन बाई ए और प्लस हो जाएगा वन बाई एफ प्लस वन बाई सी। ध्यान दो यहाँ से, अब देखो क्या क्या कट रहा है, यहाँ पर 1 बाई सी है, यहाँ भी 1 बाई सी है, तो 1 बाई सी 1 बाई सी कैंसिल, 1 बाई बी इधर इधर नहीं है, 1 बाई इधर इधर नहीं है, 1 बाई डी यहाँ है और 1 बाई डी यहाँ से, ये कैंसिल हो गया। तो अब देखो हमारे पास जो बचा है वो देखो क्या बचा है हमारे पास, ध्यान दो हमारे पास बचा है 1 बाई बी प्लस 1 बाई, इस दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, बी ई आ रहा है और यहाँ क्या आ रहा है तुम्हारा ई प्लस बी इक्वस टू, यहाँ पर क्या है तुम्हारा ए एफ है और ये देखो क्या आ रहा है तुम्हारा एफ प्लस ए, तो यहाँ से देखो क्या आ रहा है ए एफ और ये देखो ए एफ और बी प्लस ई, इसको लिख लेते हैं और यहाँ से क्या आ रहा है बी ई और ए प्लस एफ लिख लेते हैं। अब थोड़ा देखो ध्यान से, अपने को क्या प्रूफ करना है, अपने को प्रूफ करना है कि हमारा जो है ए बी रिलेट करना चाहिए ई एफ से, ठीक है। तो अगर अपने को ये प्रूफ करना है ए बी रिलेट करना चाहिए ई एफ से, तो ए बी अगर रिलेट करना चाहिए ई एफ से तो अपने को क्या प्रूफ करना होगा कि इसका एक्सट्रीम मतलब ए एफ का प्रोडक्ट प्लस बी ई ये बराबर होना चाहिए बी ई और ए प्लस एफ इसके बराबर। तो देखो यहाँ पर हमारा मिल गया ए एफ इंटू बी प्लस ई और बी ई इंटू ए प्लस ए हो गया ना, तो हम लोग अब क्या बोल सकते हैं हम लोग यहाँ से, तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि हमारा जो है ए बी जो है वो रिलेट कर रहा है ई एफ से, तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं ए बी जो है वो रिलेट कर रहा है ई एफ से, ठीक है। तो यही अपने को प्रूफ करना था, तो यहाँ पर क्या हुआ, दैट इज हमने माना था कि ए बी रिलेट कर रहा है सी डी से, एंड
सी डी रिलेट कर रहा है ई एफ से, और दिस इम्प्लाइज हमने प्रूफ कर दिया कि ए बी जो है वो रिलेट कर रहा है, ए बी जो है वो रिलेट कर रहा है ई एफ से, ए बी जो है वो रिलेट कर रहा है ई एफ से, ठीक है। तो अब समझो बात, ए बी रिलेट कर रहा है ई एफ से, जहाँ पर वेयर ए बी सी डी और ई एफ तीनों ही एन क्रॉस एन का एलिमेंट है। अब हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज आर इज ट्रांजिटिव। तो हमने तीनों दिखा दिया, आर रिफ्लेक्सिव भी दिखा दिया, आर सिमेट्रिक भी दिखा दिया, आर ट्रांजिटिव भी दिखा दिया। हेंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आर क्या है हमारा? इक्विवेलेंस रिलेशन है, आर हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है बच्चों। तो समझ में आ गया। तो ये एक लेंदी क्वेश्चन था, मार्क्स भी बहुत था इसमें, 6 मार्क्स का था। तो आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या कह रहा है कि हमारे पास दिया हुआ है, ऑल इंडिया 2014 में आया था, 1 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो देखो यहाँ पर हमारा जो गिवन है, क्या गिवन है कि आर जो है एक्स वाई है, और कैसे है, एक्स प्लस टू वाई इक्वस टू एट है। तो हमारा जो गिवन है वो क्या है, आर इक्वस टू एक्स वाई सच दैट एक्स प्लस टू वाई इक्वस टू एट है, और रिलेशन है एन में, और रिलेशन है क्या, आर इतना इज अ रिलेशन ऑन एन। कहने का मतलब इसमें एक्स और वाई का जो वैल्यू होगा दोनों नेचुरल नंबर होगा। तो रेंज लिखने के लिए बोला, तो अपने को पता है कि नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होती है, तो यहाँ से मेन हमने रिलेशन पकड़ के बाहर निकालते हैं। तो हमारे पास है एक्स प्लस टू वाई इक्वस टू एट है, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, टू वाई इक्वस टू एट माइनस एक्स लिखते हैं, और वाई इक्वस टू क्या लिखते हैं, एट माइनस एक्स बाई टू लिखते हैं। अब थोड़ा देखो ध्यान से, अपने को क्या बोल रहा है इसका, राइट द रेंज ऑफ आर, आर का रेंज लिखना है, मतलब रिलेशन का रेंज लिखना है। तो ठीक है, यहाँ देखो क्योंकि रिलेशन हमारा नेचुरल नंबर में है, तो हम ना नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, तो यहाँ पर हम ना एक्स का वैल्यू ले सकते हैं, क्योंकि देखो ये एक्स वाला डोमेन होता है, वाई वाला रेंज होता है। तो डोमेन मतलब एक्स का वैल्यू हम लोग जो भी हमारा सेट है वो सारा वैल्यू ले सकते हैं हम लोग। तो एन का वैल्यू 1, 2, 3 सारा लेते हैं। तो वेन एक्स इक्वस टू 1 ले लो, तो दिस इम्प्लाइज वाई इक्वस टू क्या आएगा, 8 माइनस 1 बाई 2 7 बाई 2 तो क्या है, 3.5। ये हमारा क्या है, नेचुरल नंबर में नहीं है, तो यहाँ से अपने को कुछ भी रिलेशन नहीं मिला, ठीक है। दूसरा अब हम लोग क्या करते हैं, x इक्वस टू 2 लेते हैं, तो y इक्वस टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, 8 माइनस 2 बाई 2, तो 8 माइनस 2 6, 6 बाई 2 कितना रहा है, 3 आ रहा है, 8 माइनस 2 6 6 बाई 3 2 3 आ गया हमारा। तो इसका मतलब हमारा, और ये भी रिलेशन n नेचुरल नंबर में है, तो यहाँ से हमारा एक रिलेशन बना, एक्स वाई क्या आ गया तुम्हारा, अगर ध्यान दो, दिस इम्प्लाइज एक्स वाई हो गया, एक्स का वैल्यू 2, वाई का वैल्यू 3। तो यहाँ से डैट इज लिख सकते हैं हम लोग इसको, इसको दैट इज लिख देते हैं, दैट इज एक्स वाई क्या आया हमारा, 2, 3 आया, एक रिलेशन हमारा मिला। फिर चलो एक्स का वैल्यू हम लोग ना 3 पुट करते हैं, तो एक्स इक्वस टू अगर हम लोग क्या करें, 3 ले लें, एक्स इक्वस टू क्या करें हम लोग, 3 ले लें, तो दिस इम्प्लाइज क्या आ जाएगा, वाई इक्वस टू 8 माइनस 3 बाई 2, ठीक है। तो 8 माइनस 3 कितना होता है, 5 बाई 2, तो ये 5 बाई 2 आ गया। ये भी हमारा क्या है, नेचुरल नंबर में नहीं है, तो यहाँ से अपने को कोई भी रिलेशन नहीं मिलेगा। फिर चलो x इक्वस टू 4 लेके देखो, तो y इक्वस टू क्या आ रहा है तुम्हारा, 8 माइनस 4 बाई 2, तो 8 माइनस 4 आया, 8 माइनस 4 4 आया, 4 बाई 2, 4 बाई 2 कितना आ गया, 2 आ गया। अच्छा ये रिलेशन में नेचुरल नंबर में है, तो इसका मतलब हमारा एक रिलेशन आया, एक्स वाई इक्वस टू क्या आ रहा है, वो हमारा वो आ रहा है एक्स का वैल्यू 4, वाई का वैल्यू 2, ऐसा आया। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब x का वैल्यू क्या करते हैं, 5 लेते हैं, तो y इक्वस टू क्या आ रहा है हमारा, 8 माइनस 5 बाई 2, तो 8 माइनस 5 क्या आ रहा है, 3 बाई 2, तो ये भी मेरा नेचुरल नंबर में नहीं, तो यहाँ से अपना कोई रिलेशन नहीं आया। x का वैल्यू 6 ले लो, तो y इक्वस टू क्या आएगा, 8 माइनस 6 बाई 2 इक्वस टू क्या हो गया, 2 बाई 2, 8 माइनस 6 2 बाई 2, ये आ गया 1। दैट इज इसका मतलब एक्स वाई क्या आ रहा है हमारा, 6 के साथ 1 आ रहा है, 6 के साथ क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अच्छा अब थोड़ा देखो ध्यान से, जैसे ही x का वैल्यू हम लोग 7 लेते हैं, तो y इक्वस टू क्या आएगा,
एट माइनस सेवन बाई टू मतलब वन बाई टू आ जाएगा, और ये नेचुरल में नंबर में नहीं है, और वन बाई टू अब अगला नंबर लेंगे तो सारा नेगेटिव नंबर आएगा, मतलब अब कभी भी नेचुरल नंबर आएगा ही नहीं आएगा। तो हमारा जो रिलेशन है वो रिलेशन में बस यही तीन एलिमेंट हमारा रिलेशन में आ जाएगा, एक तो ये आ गया हमारा रिलेशन में, और ये आ गया, और ये आ गया, है ना। क्या आ रहा है, टू थ्री फोर टू और सिक्स वन, टू थ्री फोर टू और सिक्स वन, तो ये हमारा रिलेशन में आ गया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिख पाएंगे, तो दैट इज दिस इम्प्लाइज आर जो हमारा है वो आर है टू थ्री फोर टू और सिक्स वन, ये हमारा रिलेशन है, ठीक है। तो इसमें सेकेंड वाला एलिमेंट रेंज होता है, तो रेंज ऑफ आर सेकेंड वाला एलिमेंट उठा लो, थ्री टू वन, ये हमारा रेंज है, ये हमारा क्या है, रेंज है, थ्री टू वन ये हमारा रेंज है। तो बच्चों समझ में आ गया ये, ठीक है, ये हमारा रेंज है। तो चलो अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ये समझ में आ गया, नोट कर लो। चलो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 12 नंबर, देखो फॉरेन सीबीएसई का एग्ज़ाम आउटसाइड साइड ऑफ इंडिया जो होती है उसमें आई थी 2014 में, और ये वन मार्क्स की क्वेश्चन थी। क्या है तुम्हारा रिलेशन, क्या ए ए क्यूब, ए इज़ अ प्राइम नंबर लेस देन फाइव है, ए इज अ प्राइम नंबर लेस देन फाइव है, तो बोल रहा है क्या, फाइंड रेंज, तो रेंज निकालना है आर का, ठीक है। तो सॉल्यूशन गिवन, देखो हमारा क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है आर इक्वस टू ए ए का क्यूब सच दैट ए इज अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर लेस देन फाइव, लेस देन फाइव, फाइव का से छोटा प्राइम नंबर है, तो इसका मतलब दैट इज क्या हुआ, ए बिलोंग्स टू, ए क्या क्या हो सकता है, तो अगर ए क्या है प्राइम नंबर है लेस देन फाइव, तो ए क्या क्या हो सकता है, तो ए इक्वल टू हो सकता है हमारे पास पाँच से छोटा प्राइम नंबर टू और थ्री, यही दो प्राइम नंबर है, तो देन तब आर क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो क्या ए ए क्यूब है, अगर हमने दो ले लिया तो इधर दो का क्यूब क्या आ जाएगा, एट आ जाएगा, अगर हमने तीन ले लिया तो इधर तीन का क्यूब क्या आ जाएगा, ट्वेंटी सेवन आ जाएगा, है ना, थ्री थ्री जै नाइन थ्री जै ट्वेंटी सेवन। तो अब सेकेंड वाला एलिमेंट रेंज है, तो रेंज आर देखो हमारा क्या हो गया, रेंज ऑफ आर, आर का रेंज जो आया सेकेंड एलिमेंट का सेट एट और ट्वेंटी सेवन आ गया, तो ये हमारा आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर थर्टीन क्या है हमारा, लेट आर बी इक्वेलेंस रिलेशन इन द सेट ए इक्व टू जीरो वन टू थ्री फोर फाइव, ए है तुम्हारा जीरो वन टू थ्री फोर फाइव, इसमें रिलेशन है, और रिलेशन क्या है, ए बी है, और टू डिवाइड्स ए माइनस बी, ठीक है, टू डिवाइड्स ए माइनस बी, ठीक है। अब अपने को क्या लिखना है, राइट द इक्वेलेंस क्लास ऑफ जीरो, जीरो का इक्वेलेंस क्लास लिखना है कि नहीं, तो जीरो का इक्वेलेंस क्लास लिखना है। तो देखो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, अब ए माइनस बी टू से डिविजिबल होना चाहिए, जीरो का इक्वेलेंस क्लास साफ साफ दिया हुआ है, तो सॉल्यूशन क्या है तुम्हारे पास, गिवन आर इक्वल्स टू ए बी सच दैट टू डिवाइड्स ए माइनस बी, टू क्या है तुम्हारा, ए माइनस बी को डिवाइड कर रहा है, और आर इक्वल्स टू इतना इन ए इक्वस टू क्या है तुम्हारा, रिलेशन कहाँ है, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव में है, ये है। तो अब थोड़ा देखो, जीरो, जीरो का इक्विवेलेंस क्लास क्या होगा, मतलब इस जीरो वन टू थ्री फोर, इस सारे एलिमेंट को जीरो के साथ माइनस करो और उसको देखो क्या टू से डिवाइड हो रहा है, तो जीरो को अगर जीरो से माइनस करेंगे तो जीरो आएगा, जीरो टू से डिवाइड हो जाएगा, तो ये तुम्हारा जीरो हो गया, ठीक है। अब चलो देखो ध्यान से, अब जीरो को वन से करेंगे तो वन आएगा, माइनस वन वो टू से डिवाइड नहीं होगा, जीरो को टू से करेंगे तो हाँ माइनस टू आएगा, टू से डिवाइड हो जाएगा तो टू आ गया, फिर थ्री से करेंगे तो माइनस थ्री आ जाएगा तो वो डिवाइड नहीं होगा तो वो नहीं आएगा तुम्हारा, फोर से करेंगे माइनस फोर आएगा तो वो हो जाएगा टू से डिवाइड, तो ये आ गया फोर, और लास्ट है फाइव, फाइव माइनस जीरो करेंगे तो भी क्या आएगा, एक ऑड नंबर आएगा, टू से डिवाइड नहीं होगा, तो इक्विवेलेंस क्लास क्या हो गया जीरो का, वो आया टू फोर, टू जीरो टू और फोर, ये हमारा आंसर हो गया। तो चलो बच्चों समझ में आ गया, आप लोग इसको नोट कर लो, और चलो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समझो ये आया था दिल्ली में, सीबीएसई दिल्ली में आया था, चार मार्क्स का क्वेश्चन था, 2014 में आया था। क्या बोल रहा है कि ए क्या है तुम्हारा, वन से लेके वन टू थ्री नाइन तक है, और रिलेशन है ए क्रॉस ए में, और रिलेशन कब है, ए बी रिलेट कर रहा है सी डी से, कब, जब ए प्लस बी
बी प्लस सी के बराबर है तब, ये रिलेट कर रहा है। तो अपने को दिखाना है कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, और फिर इक्विवेलेंस क्लास 2-5 का इक्विवेलेंस क्लास भी दिखाना है। तो सॉल्यूशन बनाते हैं हम लोग, सबसे पहले तो इसको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करते हैं। तो देखो सॉल्यूशन दिया हुआ अपने पास, गिवेन आर बी द रिलेशन, आर बी द रिलेशन इन द सेट ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए वेयर ए इक्वल्स टू, ए क्या है तुम्हारा 1, 2, 3, 4 डॉट 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 9 तक है, ठीक है। डिफाइंड बाय डिफाइंड बाय ए बी रिलेट कर रहा है सी डी से इफ, कब, जब ए प्लस डी जो है वो बी प्लस सी के बराबर हो, ए प्लस डी जो है वो बी प्लस सी के बराबर हो, ठीक है। तो चलो अपने को इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है, तो इसके लिए क्या करना होगा, अपने को इसको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव दिखाना होगा। तो चलो देखो, फॉर रिफ्लेक्सिव, फॉर रिफ्लेक्सिव, तो ध्यान दो रिफ्लेक्सिव के लिए, मान लेते हैं लेट ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए, ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए। तो अगर ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए में है तो अपने को क्या दिखाना है, ए बी खुद से रिलेट कर रहा है ए बी से। तो अब थोड़ा ध्यान देना यहाँ पर, अगर ए बी रिलेट कर रहा है सी डी से तो कब रिलेट कर रहा है, दिस इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड लिख सकते हो कि फर्स्ट को लास्ट एक्सट्रीम का सम ए प्लस डी, एक्सट्रीम का सम मीन के सम के बराबर हो बी प्लस सी, इसको एक्सट्रीम बोलते हैं बाहर वाले को, इसको मीन बोलते हैं। तो एक्सट्रीम का सम मीन के सम के बराबर हो तो हम लोग क्या बोलेंगे, रिलेशन में है। तो अब थोड़ा देखो ध्यान से कि अगर हमको क्या दिखाना हो, ए बी रिलेट कर रहा है ए बी से, तो इसका मतलब एक्सट्रीम का सम ए प्लस बी बी प्लस ए के बराबर हो, नहीं ए प्लस बी जो है ना किसके बराबर हो, बी प्लस ए के बराबर हो। तो हम यहाँ पर ये तो लिख ही सकते हैं कि ए बी अगर ए क्रॉस ए में है तो देन, तब हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी जो होता है बी प्लस ए के बराबर होता है, होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन बोलते हैं। तो बाय लिख सकते हो यहाँ पे, बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, एडिशन के कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से ये बोलते हैं। तो अगर ए प्लस बी इक्वस टू बी प्लस ए है भाई, अगर ए प्लस बी इक्वस टू बी प्लस ए है तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए बी रिलेट कर रहा है ए बी से। तो दिस इम्प्लाइज ए बी रिलेट कर गया ए बी से, ठीक है। अब चलो तो इसका मतलब क्या हो गया, हमने माना था कि ए बी ए क्रॉस ए में है और हर और इसमें कोई भी एलिमेंट उठा सकते थे ए क्रॉस ए का, तो तब ए बी से रिलेट कर गया। दिस इम्प्लाइज आर इज रिफ्लेक्सिव, आर क्या हो गया हमारा, रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है। आर हमारा क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। चलो सिमेट्रिक के लिए चलते हैं। तो फॉर सिमेट्रिक मान लेते हैं लेट ए बी और सी डी बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए, मान लेते हैं कि ए बी और सी डी का हमारा ए क्रॉस ए में है, ए क्रॉस ए में है, और ऐसा है सच दैट, ऐसा है ये U है, सच दैट ए बी जो है वो रिलेट कर रहा है सी डी से। अच्छा देखो भाई, अगर ए बी रिलेट कर रहा है सी डी से तो अपने को क्या दिखाना पड़ेगा कि सी डी रिलेट कर रहा है ए बी से, तब हम उसको सिमेट्रिक बोल पाएंगे। तो सिंस, अब थोड़ा ध्यान दो कि अगर ए बी रिलेट कर रहा है सी डी से तो क्या रहा होगा, इसका मतलब क्या रहा होगा, एक्सट्रीम का सम मतलब ए प्लस डी जो है वो बराबर होगा मीन के सम के, मतलब बी प्लस सी के बराबर होगा, ठीक है। अच्छा, और अगर हमको ये प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि सी डी रिलेट कर रहा है ए बी से, तो अपने को क्या दिखाना होगा, सी प्लस बी ये किसके बराबर है, डी प्लस ए के बराबर है। तो हम ना अगर ये अगर हम दिखा दिए तो हम लोग बोल देंगे कि सी डी रिलेट कर रहा है ए बी से। तो क्या हम ये क्रिएट कर सकते हैं, तो सबसे पहले देखो ध्यान से, यहाँ पर अपने को पहले सी बी चाहिए, तो हम ना इस दोनों का
चेंज कर लेते हैं, इसको पहले लिखते हैं, इसको बाद में लिखते हैं, इससे क्या होता है हमारे इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सी बी जो है ए प्लस डी के बराबर है। अब तुम थोड़ा देखो ध्यान से, सी प्लस बी लिखो या बी प्लस सी लिखो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है। ए प्लस डी लिखो या डी प्लस ए लिखो, एक ही बात है। इसको भी क्या बोलेंगे, यहाँ पर रीजन लिख सकते हो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, एडिशन के कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से, है ना, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कहता है। और जब हम लोग सी प्लस बी इक्वल टू डी प्लस ए लिख सकते हैं, जिसका मतलब हम लोग क्या लिख देंगे कि सी डी जो है वो रिलेट कर रहा है ए बी से। तो दिस इम्प्लाइज सी डी जो है वो रिलेट कर रहा है ए बी से, ठीक है। और हमने तो माना था कि ए बी रिलेट कर रहा है सी डी से, और हमने दिखा दिया कि सी डी रिलेट कर रहा है ए बी से, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, तो दिस इम्प्लाइज आर इज सिमेट्रिक। आर क्या हो गया हमारा, सिमेट्रिक हो गया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं ट्रांजिटिव के लिए, फॉर ट्रांजिटिव, फॉर फॉर ट्रांजिटिव। अच्छा देखो, ट्रांजिटिव के लिए मान लेते हैं हम लोग इसमें तीन एलिमेंट मानना होता है, तो ए बी सी डी और ई एफ, ये तीनों जो है हमारा वो कहाँ, ए क्रॉस ए का एलिमेंट है, ए क्रॉस ए का एलिमेंट है, सच दैट, और ऐसा है कि ए बी जो है वो रिलेट कर रहा है सी डी से, और सी डी जो है वो रिलेट कर रहा है ई एफ से। अच्छा, अगर ए बी रिलेट कर रहा है सी डी से, सी डी रिलेट कर रहा है ई एफ से, तो हमको क्या दिखाना होगा, अगर ए बी रिलेट कर रहा है ई एफ से, अगर ये दिखा दें तो हम लोग बोल देंगे ये ट्रांजिटिव है। तो सबसे पहले तो सिंस ए बी रिलेट कर रहा है सी डी से, तो दिस इम्प्लाइज ए प्लस डी सम ऑफ एक्सट्रीम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, बी प्लस सी, नंबर वन समझ लो। एंड दूसरा क्या कह रहा है, सी डी रिलेट कर रहा है ई एफ से, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, सम ऑफ एक्सट्रीम सी प्लस एफ जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, डी प्लस ई के बराबर आ जाएगा। ये आ गया नंबर टू, ठीक है। अब हम लोग वन और टू दोनों को ऐड कर लेते हैं, एडिंग वन एंड टू वी गेट, देखो वन टू को ऐड करते हैं वी गेट, हम लोग को क्या मिल जाता है, पहला इधर एल एच एस में हो जाएगा ए प्लस डी प्लस सी प्लस एफ, और आर एच एस में आ जाएगा बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। तो थोड़ा देखो ध्यान से, यहाँ से क्या क्या कैंसिल हो रहा है हमारा, ए प्लस डी सी प्लस एफ, ठीक है। तो देखो सी सी तो दिख गया, एक कैंसिल हो गया, और डी डी भी मेरा देखो कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अब क्या बच गया हमारा, इधर इधर बच गया हमारा ए प्लस एफ जो है वो किसके बराबर है, बी प्लस ई के बराबर है। अच्छा, अगर हमको क्या दिखाना है कि ए बी रिलेट कर रहा है ई एफ से, तो अपने को क्या दिखाना होगा कि ए प्लस एफ, ए प्लस एफ जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, बी प्लस ई के बराबर होना चाहिए, ये दिखाना है। अगर ये दिखा दिए, अगर रिलेशन है इतना, अगर इतना है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये है। तो इसका मतलब देखो यहाँ पे मिल गया ना, ए प्लस एफ इक्वल टू बी प्लस ई, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, तो दिस इम्प्लाइज ए बी जो है वो रिलेट कर रहा है ई एफ से, ए बी जो है वो ई एफ से रिलेट कर रहा है। तो हमने माना था कि ए बी सी डी से रिलेट कर रहा है, सी डी ई एफ से रिलेट कर रहा है, और हमने प्रूफ करके दिखा दिया कि ए बी जो है वो ई एफ से रिलेट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, तो दिस इम्प्लाइज आर इज एन आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। आर क्या है हमारा, तुम्हारा इज ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो हमने क्या दिखाया, आर रिफ्लेक्सिव भी है, आर सिमेट्रिक भी है, और आर ट्रांजिटिव भी है, ठीक है। तो हेंस हेंस आर इज रिफ्लेक्सिव एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तब हम लोग क्या बोलेंगे, क्योंकि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों है, तो आर को हम लोग क्या बोलेंगे, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। आर क्या है हमारा, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है, समझ में आ गया। तो फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूफ हो गया, अब अपने को क्या करना है सेकेंड पार्ट में, देखो हमारा ए में हमको निकालना है 2-5 का इक्विवेलेंस क्लास, 2-5 का इक्विवेलेंस क्लास, ठीक है, 2-5 का इक्विवेलेंस क्लास निकालना है। तो अब देखो क्या कह रहा है सेकेंड पार्ट में,
गिवेन अगेन लिख देते हैं फिर से, सेकेंड पार्ट बना रहे हैं कि ए इक्व टू क्या है हमारे पास, 1, 2, 3, 4 ऐसे ही 9 तक है, ठीक है। और एंड क्या बोल रहा है कि रिलेशन जो है हमारा, ध्यान दो, एंड ए बी रिलेट टू सी डी, दिस इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज बाय ए प्लस डी इक्वस टू बी प्लस सी हो, है ना, ये हो गया तुम्हारा। और यहाँ पर वेयर वेयर ए बी जो है, ये सब जो है ए बी सी डी जो है वो कहाँ, ए क्रॉस ए का एलिमेंट है। अच्छा, ए क्रॉस ए का एलिमेंट कहने का मतलब, तो देन थोड़ा देखो ध्यान से, अपने को क्या चाहिए, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2, 5, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2, 5, समझो बात, क्या चाहिए, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2, 5 चाहिए, ठीक है। तो चलो देखो, 2, 5 का इक्विवेलेंस क्लास चाहिए। अब ध्यान दो, 2, 5 का इक्विवेलेंस क्लास चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ, इधर 2, 5 रखो और इधर जो है हम लोग एक्स वाई रखेंगे, और हर बार क्या होना चाहिए, 2, 5 एक्स वाई रखेंगे, तो 2 + y जो होना चाहिए 5 + x के बराबर होना चाहिए, 2 + y जो है वो 5 + x के बराबर होना चाहिए, 2 + y जो है वो 5 + x के बराबर होना चाहिए, ये होना चाहिए, ठीक है। तो अब ध्यान दो, 2 + y 5 + x के बराबर होना चाहिए। तो अब स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले y का वैल्यू हम यहाँ स्टार्ट करते हैं, 1 लेते हैं, अगर y का वैल्यू 1 लेते हैं तो 1 आ जाएगा, तो y का वैल्यू 1 आ जाएगा, किस सबको रखते चलते हैं, कुछ ना कुछ हमको मिलते चला जाएगा, y का वैल्यू 1 ले लो या फिर x का वैल्यू 1 ले लो। तो चलो यहाँ पर से अपने को ये बनाना है, तो 2, 5, तो अब ऐसा करते हैं ना, इसको यहीं पर हम ना लिख के बना देते हैं, यहीं पर लिख के बना देते हैं, तो कुछ मान लेते हैं, क्योंकि अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए 2, 5 का इक्विवेलेंस क्लास चाहिए। देखो तो यहां पर मान लेते हैं, लेट 2, 5 रिलेट टू एक्स वाई, मान लेते हैं 2, 5 एक्स वाई से रिलेट करता है, तो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, 2 + y जो है वो 5 + x के बराबर आ जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वाई इक्व टू क्या आ जाएगा हमारा, वाई इक्व टू क्या आ जाएगा हमारा, 5 + x - 2, इसका मतलब 3 + x आ जाएगा, 3 + x आ जाएगा। अब थोड़ा ध्यान दो, अब हम x का वैल्यू स्टार्टिंग से रखते हैं कि वेन एक्स इक्व टू 1, तो दिस इम्प्लाइज वाई इक्व टू 3 + 1 इक्व टू 4, ठीक है, 3 + 1 इक्व टू 4, तो इसका मतलब दैट इज एक्स वाई जो आया हमारा, वो एक्स वाई क्या आ रहा है, x का वैल्यू 1 लो तो y का 4 आएगा, x का वैल्यू 1 लो तो y का 4 आएगा, ठीक है। फिर x का वैल्यू 2 लेके देखो, तो क्या आ रहा है हमारा, y इक्व टू 3 + 2 इक्व टू कितना आ रहा है, 5, दैट इज एक्स वाई जो हमारा आ रहा है वो क्या आ रहा है तुम्हारा, 2 के साथ 5 आ रहा है, चलो ठीक है। फिर x का वैल्यू 3 ले लो, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा तुम्हारा, 3 + 3, है ना, 3 + 3 कितना आ रहा है तुम्हारा, 6 आ रहा है, तो इसका मतलब दैट इज एक्स वाई क्या आ रहा है हमारा, 3, 6 आ रहा है। चलो अब देखो, x का वैल्यू 4 लो, तो 4 लेंगे तो y इक्व टू क्या आ जाएगा, 3 + 4 इक्व टू 7, दैट इज एक्स वाई क्या आ गया हमारा, 4, 7, और x का वैल्यू 5 लो तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 + 5 इक्व टू 8 आ रहा है, दैट इज एक्स वाई जो है हमारा वो क्या है तुम्हारा, 5, 8 आ रहा है, ठीक है। और x का वैल्यू 6 लो तो y का वैल्यू क्या आ रहा है, 3 + 6 इक्व टू क्या आया, 9, दैट इज एक्स वाई इक्व टू कितना आ रहा है तुम्हारा, 6, 9 आ रहा है, ठीक है। तो अब थोड़ा देखो ध्यान से, ये आ रहा है। अब हम लोग x का वैल्यू 7 अगर लेंगे तो y का वैल्यू 10 आ जाएगा, तो अब तो 10 तो हमारा a में है ही नहीं, तो अब हम लोग नहीं लेंगे, इसका मतलब ये देखो, तो 2, 5 किससे रिलेट किया, एक्स वाई से रिलेट किया, इसका मतलब एक्स वाई का जो जो वैल्यू आया, 1, 4 से रिलेट किया, 2, 5 से रिलेट किया, 3, 6 से रिलेट किया, 4, 7 से रिलेट किया, 5, 8 से रिलेट किया, 6, 9 से रिलेट किया,
तो दिस इम्प्लाइज अगर हम लोग इसका इक्विवेलेंस क्लास निकालें 2, 5 का, तो हमारा इक्विवेलेंस क्लास क्या आ रहा है, 1, 4, ठीक है, फिर क्या आ रहा है 2, 5, फिर क्या आ रहा है 3, 6, है ना, फिर क्या आ रहा है 4, 7, फिर क्या आ रहा है 5, 8, और क्या आ रहा है तुम्हारा 6, 9, ये आ रहा है हमारा। तो ये हमारा इक्विवेलेंस क्लास हो गया 2, 5 का, ये हमारा इक्विवेलेंस क्लास हो गया 2, 5 का। इसका जो सेकेंड पार्ट था ये हुआ इसका आंसर। तो बच्चों समझ में आ गया, तो आप लोग इसको नोट कर लो। और चलो हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो देखो दिल्ली 2014 कंपार्टमेंटल में आया था, 4 मार्क्स का क्वेश्चन था। लेट आर बी अ रिलेशन डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एन एज फॉलोज। मेरे पास रिलेशन दिया हुआ है ये, ठीक है। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ आर, हमको ना डोमेन और रेंज निकालना है आर का, और फिर दिखाना है कि आर, फाइंड इफ आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन और नॉट, और आपको अपने को दिखाना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है, ठीक है। तो चलो सॉल्यूशन देख लेते हैं। हमारा जो गिवन है, गिवन आर बी द, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो लिखना पड़ेगा हमको, आर बी द रिलेशन रिलेशन ऑन एन डिफाइंड बाय आर, क्या है तुम्हारा रिलेशन है एन में, और कैसे डिफाइंड है, डिफाइंड बाय आर इक्वल्स टू एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 2x + y = 24, ये आ गया। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, डोमेन एंड रेंज बोल रहा है, तो आर लिखना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से देखो, सिंस 2x + y = 24, तो इसका मतलब y = क्या आ रहा है, 24 - x आ रहा है, 2x आ रहा है, 24 - 2x आ रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये नेचुरल नंबर में है तो x की वैल्यू ये 2x है, 2x आ रहा है। अब देखो व्हेन, अब वैल्यू रखना स्टार्ट करो, व्हेन एक्स इक्वस टू 1, तो दिस इम्प्लाइज y = 24 - 2 = 2, कितना आया 22। x = 2 ले लो तो क्या रहा है, y = 24 - 2 ले रहे ना, 2 तो 2 2 = 4, तो क्या रहा है 20। एक्स का वैल्यू अगर 3 ले रहे हैं तो क्या रहा है तुम्हारा, y = 24 - 3 ले रहे हैं तो 3 2 = 6, तो ये आ गया तुम्हारा 18, है ना। जब x की वैल्यू क्या कर रहे हैं, 4 ले रहे हैं, तो y = कितना आ रहा है तुम्हारा 24, और माइनस 4 2 = 8, तो क्या आ रहा है ये तुम्हारा 16। जब x का वैल्यू 5 ले रहे हैं तो y = कितना आ रहा है 24 - 5 2 = 10, तो कितना आ रहा है तुम्हारा 14। x का वैल्यू हम 6 ले रहे हैं तो y = क्या आ रहा है तुम्हारा 24 - 12, तो क्या आ गया यहाँ पर 12 आ गया। चलो ठीक है, जब x का वैल्यू 7 ले रहे हैं तो क्या आ रहा है तुम्हारा y = 24 - 2 × 7 = 14, तो ये क्या आ रहा है हमारा 10 आ रहा है। अब यहाँ पर देखो, x का वैल्यू 8 ले रहे हैं तो y = 24 - 16, तो कितना आ रहा है हमारा 24 - 16, 8 आ गया। अब जब x का वैल्यू हम लोग 9 ले लो, x का वैल्यू 9 ले लो तो y = क्या आ रहा है 24 - 9 2 = 18, 6 आ रहा है। जब x का वैल्यू 10 ले लो तो हमारा देखो y = क्या आ रहा है तुम्हारा 24 - 24 आ रहा है, ठीक है, क्योंकि नेचुरल नंबर में है। x का वैल्यू हम लोग अगर 11 ले लो तो y = 24 - 22, है ना, 11 2 = 22, 2 आया। और जब x का वैल्यू हम लोग 12 लेते हैं तो y = 24 - 24 = 0, और ये नेचुरल नंबर नहीं होता है। तो हमारा जो ऑर्डर्ड पेयर बना वो ये 1 22 2 23 18, ऐसा बना, ठीक है, क्योंकि हमारा ये नेचुरल नंबर में था, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इम्प्लाइज आर इक्वस टू, देखो क्या बना है, स्टार्टिंग से चेक कर लो, तो 1 का 22 आ रहा है, 1 22, 2 का क्या आ रहा है, 2 का 20 आ रहा है, 3 का क्या आ रहा है 18 आ रहा है, 3 का 18 आ रहा है, 4 का क्या आ रहा है 16 आ रहा है, 4 का 16, 4 16 आया, और चेक करो 4 16, 5 5 14,
सिक्स ट्वेल्व ऐसा आ रहा है, सिक्स ट्वेल्व ठीक है। और देखो तो सेवन का टेन, सेवन टेन आ रहा है, एट एट आ रहा है, नाइन सिक्स आ रहा है, और टेन फोर आ रहा है, और इलेवन के साथ टू आ रहा है, ऐसा आ गया ठीक है, ये आ गया। तो इसका हम लोग को क्या निकालने के लिए बोल के रखा है, डोमेन और रेंज निकालना है। अपने को क्या निकाल के रखना है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ आर। तो डोमेन और रेंज लिखना है, डोमेन और रेंज लिखना है ठीक है। तो चलो डोमेन और रेंज लिख देते हैं। तो यहाँ पर डोमेन आर, डोमेन ऑफ आर, आर का जो डोमेन होगा पहला एलिमेंट का, पहला पहला एलिमेंट का सेट, तो वन टू, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन, ये डोमेन है। और रेंज ऑफ आर, ये हमारा रेंज ऑफ जो आर है वो सेकेंड एलिमेंट का सेट है। देखो तो क्या है, ट्वेंटी टू ट्वेंटी ट्वेंटी टू, इसको ना अरेंज करके भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ट्वेंटी एटीन सिक्सटीन फोर्टीन ट्वेल्व टेन एट सिक्स फोर और टू, ये हमारा हो गया ठीक है, डोमेन और रेंज। अब देखो यहाँ पर, अब अपने को चेक करना है क्या इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। तो इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं, तो साफ इसको रिलेशन को देखकर लग रहा है कि देखो मेरा नेचुरल नंबर में वन टू थ्री होता है, तो वन वन होना चाहिए था, नहीं है रिलेशन में मेरा। वन वन टू टू थ्री थ्री होना चाहिए तो नहीं है, तो मेरा क्या हुआ, रिफ्लेक्सिव नहीं हो गया। अब देखो तुम्हारा वन ट्वेंटी टू है, ट्वेंटी टू वन नहीं है, तो सिमेट्रिक भी नहीं हुआ। अब दूसरा देखो क्या है तुम्हारे पास, अगर ध्यान से देखोगे तो दूसरा, अगर 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 देखो ट्रांजिटिव की बात करें तो 122 है, 22 से स्टार्ट होने वाला कोई नहीं, कोई नहीं, तो 612 है, 12 से शुरू होने वाला नहीं आ रहा है मेरे पास, नहीं आ रहा है। देखो 10 4 है और 4 16 है ना, यहाँ पर देखो 10 4 है, 4 16 है हमारा ये, लेकिन 10 4 4 16 है, 10 16 नहीं है, इसका मतलब ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो चलो यही एग्जांपल लेके दिखा देते हैं। तो चलो यहाँ पर फॉर रिफ्लेक्सिव, फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए देखो, एज वन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बट वन वन नॉट बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या हुआ, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है ठीक है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। चलो सिमेट्रिक का बात करूँ, तो फॉर सिमेट्रिक, फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में साफ दिखा, कोई भी उठा लो, देखो 222 है रिलेशन में, 220 रिलेशन में है ना, बट 20 और 2 रिलेशन में नहीं है, जहाँ पे वेयर दोनों 2 और 20 दोनों ही नेचुरल नंबर है ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है हमारा, तो दिस इम्प्लाइज आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर क्या हुआ हमारा, सिमेट्रिक नहीं है। चलो फॉर ट्रांजिटिव की बात करते हैं, फॉर ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव की अगर बात करो तो देखो ध्यान से, ट्रांजिटिव की बात करो, साफ अभी तुमको दिखा दिए कि 10-4 रिलेशन में है, 4-16 रिलेशन में है, 10-4 रिलेशन में है, 4-16 रिलेशन में है, लेकिन 10-16 रिलेशन में नहीं है, मतलब ट्रांजिटिव। एस 10-4 belongs to R and 4-16 belongs to R but 10-16 हमारा R में नहीं है, 10-16 not belongs to R, ये R में नहीं है, where तीनों element जो हो गया 10-4, 10-16 belongs to natural number, तो this implies R is नॉट ट्रांजिटिव, यह ट्रांजिटिव नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, दस आर इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन, नॉट इक्विवेलेंस, आर क्या हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है ठीक है। तो यही अपने को बनाने के लिए दिया था, क्या कहने के लिए दिया था, पहले तो आप डोमेन रेंज निकालो और फाइंड करो कि आर क्या है, तुम्हारा इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। तो हमने इसका प्रूफ कर दिया, ये निकाल दिया डोमेन रेंज, ये रहा हमारा डोमेन रेंज, ये हमारा डोमेन रेंज वाला आंसर हो गया, ये आंसर डोमेन का है,
ये आंसर रेंज क्या है, और हमने यहाँ पर क्या प्रूफ कर दिया कि आर क्या हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। ठीक है, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे 2011 दिल्ली में आया था, दिल्ली सीबीएसई में 1 मार्क्स का क्वेश्चन था। स्टेट द रीज़न फॉर आर इन द सेट ए, और रिलेशन क्या दिया हुआ है 1:2:1, ये नॉट टू बी ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो सॉल्यूशन 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, गिवेन आर बराबर, एक आर रिलेशन है 1:2:1 इन सेट किस में, 1:2:3 में। ठीक है, तो हेयर 1:2 बिलोंग्स टू आर एंड 2:1 बिलोंग्स टू आर, तो ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए, ए बी रिलेशन में, बी सी रिलेशन में, तो ए सी भी रिलेशन में होना चाहिए। देन 1:1 नॉट बिलोंग्स टू आर, 1:1 कहाँ है तुम्हारा, आर में नहीं है। वेयर, जहाँ पर जो है 1 और 2 दोनों जो एलिमेंट है 1:2:3 का है, तो हम लोग इसको क्या बोल पाएंगे, तो दस आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर क्या हमारा ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, तो हमको इसका रीज़न लिखना था, तो हमने इसका रीज़न लिख दिया कि यह ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है बच्चों, तो समझ में आ गया, तो इसको नोट कर लो और चलो आगे चलते हैं। तो देखो बच्चों, आज हम लोगों का जो ये टाइप्स ऑफ रिलेशन था, इसका हम लोगों ने 10 ईयर का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, सारे क्वेश्चन हम लोगों ने अच्छे से समझे और सॉल्व किया। और सबसे मेन बात है कि आप लोग इसको जो प्रैक्टिस करोगे भाई, तो आप ना अच्छे से लिख के, देखो हमने लिखा जो हमको लैंग्वेज, हमको मेरा जो लैंग्वेज था वो, ज़रूरी नहीं है कि आप इसी को कॉपी करो, आप अपने लैंग्वेज में लिखो, अगर लिख सकते हो तो, अगर नहीं लिख सकते हो तब तो ठीक है लिख लो मेरा, बट मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप मेरे लैंग्वेज को और थोड़ा सा अल्टर करो, और अल्टर करके अपने लैंग्वेज में लिखने का कोशिश करो। अगर अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो तो उससे बेस्ट दुनिया की कोई चीज़ नहीं होती है। ठीक है, तो बच्चों आप लोग ना ये सारा समझ में आ गया, अब अपने लैंग्वेज में इस चीज़ को आप आराम से क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो, लिख सकते हो। ये तो हमने लिख के दिखाया कि ऐसे लिखा जाता है, आप चाहो तो इसको और अच्छा बना सकते हो, आप मेरे से भी अच्छा लिख सकते हो, क्योंकि आपको अब ये पता चलेगा कि मेरे में क्या कमी है, मेरे लिखने में और क्या आप ऐड कर सकते हो, इसको कितना सुंदर बना सकते हो आप, जितना आप ऐड कर सकते हो, जितना इसको अल्टर करके अच्छा बना सकते हो, आपको एग्ज़ाम में उतना अच्छा मार्क्स आएगा। ठीक है बच्चों, तो याद रखना हमेशा एग्ज़ाम में क्या होता है, ये बोला जाता है कि राइट योर ओन वर्ड्स, आप अपने वर्ड में आंसर दो। तो इसीलिए मेरा सजेशन यही होता है कि हमने एक तरीका बता दिया कि आपको ऐसा लिखना है, अब आपको एग्ज़ाम में क्या करना है, आपको एग्ज़ाम में अच्छे से लिखना है, मेरे से भी अच्छे से लिखना है, हम लिखें, अब इसको और आप अल्टर करके अच्छे से लिखने का कोशिश करो, प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे, तो लिखना बहुत ज़रूरी है। 12 के बोर्ड में स्टेप मार्किंग होता है, और आपको क्या करना चाहिए, लिखना, लिखने के लिए बहुत अच्छा से आना चाहिए, आपको अच्छे से लिख लेना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आप लोग प्रैक्टिस करो धीरे धीरे, और कोशिश करो मेरे से भी अच्छे लिखने का, जो हम लिखें इसमें ढूंढो कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कमी रहा होगा, क्योंकि हर एक इंसान में कमी होता है, हर एक चीज़ से अच्छा और किया जा सकता है, तो तुम भी इससे और अच्छा लिख सकते हो, तो आप लोग इसको और अच्छे से लिखना। ठीक है बच्चों, तो हमारा ये पहला टॉपिक था टाइप्स ऑफ रिलेशन, वो हम लोगों ने फिनिश कर लिया। अब हम लोग अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन का, जो हम लोगों के सिलेबस में है, वो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, ठीक है, बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।